राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस तो प्रभारी रंधावा और पीसीसी सचिव डोटासरा उदयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ राजसमंद में भी पदाधिकारियों की ये बैठक ली जाएगी। राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाएगी अब कांग्रेस पार्टी। 9 अगस्त को राहुल गांधी का राजस्थान का ये दौरा है, जिसको लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद यहाँ पर किस प्रकार से 9 तारीख को राहुल गांधी जब आएंगे तो यहाँ पर जब वो आएंगे तो कितनी तैयारियां की जाएगी, कैसे पूरा रोड मैप होगा, इन सभी पर यहाँ पर इस बैठक में तमाम चर्चा ली जाएगी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। और राहुल गांधी की रैली में कैसे भीड़ जुटानी है, कितनी संख्या में लोगों को वहां पर एकत्रित करना है, इन सभी पर इस बैठक में बात की जाएगी। उसके अलावा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में उन्हें साधने की कवायदें यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर उदयपुर पहुंचे हैं प्रभारी रंधावा और पीसीसी सचिव डोटासरा। तो ये दोनों जब वहां पर पहुंचे हैं, इनके साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद है, तमाम पदाधिकारी मौजूद है, उसके अलावा पर्यवेक्षक भी उनके साथ अमृता धवन भी मौजूद है। मैंने देखा कि जो यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, पूरे इंडिया के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनको सभी का ये क्वेश्चन उत्सव होगा और हम सभी उसमें भाग लेकर अपने शहीदों को, अपने एसटी में जो एसटी ब्राक में समुदाय है, उन सभी के साथ मिलकर वो दिन मनाएंगे और अरदास करेंगे, प्रे करेंगे कि हम सभी इन बातों को लेकर आगे चले और जो आदर्श हैं उनको लेकर हम आगे चले। देखिए, जैसे जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय बना है, वैसा ही इनको इसे भी बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शहीद हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि शहीद किसी एक स्टेट का, एक गांव का, एक परिवार का नहीं होता। शहीद ऐसे समर्थ जो हैं वो राष्ट्र जो होते हैं, कि राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों की डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही सोचना चाहिए कि इसको समर्थ बना देना चाहिए। और चलिए उदयपुर से हमारे सहयोगी धीरज रावल लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, आप क्योंकि प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी सचिव डोटासरा वहां मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मंत्री वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, फिलहाल किस प्रकार से बैठक होगी, कहां कहां बैठक ली जाएगी, कैसे इस बैठक में क्या कुछ बातचीत की जाएगी, क्योंकि भीड़ जुटाने की भी यहां पर कवायदें की जा रही हैं, तो इसको लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, राजस्थान के प्रभारी सुखबिंदर सिंह रंधावा, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो उदयपुर और बांसवाड़ा दौरे पर है। जहां पर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहां से वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और कुछ ही देर के अंदर सुहालका भवन पहुंचेंगे सेक्टर 14, जहां पर उदयपुर राजसमंद, उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस के प्रबुद्ध जन है, उनके साथ में यहाँ पर बैठक रखी गई है। उस बैठक के अंदर वह कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। वह यहाँ से बैठक समाप्त होने के बाद वो बांसवाड़ा पहुंचेंगे। बांसवाड़ा के अंदर वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के जो प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता हैं उनके साथ में यहाँ पर बैठक लेंगे। वहां से वो मानगढ़ पहुंचेंगे और मानगढ़ पहुंचने के बाद आगामी जो राहुल गांधी का दौरा है आदिवासी दिवस के ऊपर 9 तारीख को, उसको लेकर के तैयारी को लेकर के वो जायजा लेंगे। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने मीडिया के संबोधन के दौरान कहा था कि वह जो है राहुल गांधी का जो दौरा है उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वही कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर तीजा तंज कसते हुए यहां पर प्रहार किया था। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि चुनावी नजदीक है और चुनावी का संघनाद जो है वो यहां मेवाड़ से किया जा रहा है, जो बांसवाड़ा मानगढ़ धाम से किया जाएगा, जहां पर आदिवासी परिवारों के साथ में मिलकर जो है वो यहां पर चुनावी संघनाद का जो है वो ऐलान यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। आपको बता दें कि मेवाड़ और वागड़ जिसने जीत हासिल कर ली, कुल 28 सीटें हैं, दोनों ही पार्टियों की नजर यहां पर दोनों इस मेवाड़ के ऊपर है। जिसने मेवाड़ पर जीत हासिल कर दी उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। बिल्कुल धीरज, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उदयपुर कई बार आ चुके हैं और जब से महंगाई राहत कैंप शुरू हुआ कई सौगातों के साथ भी उदयपुर पहुंचे थे, लेकिन अब ऐसे में वो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वहां पर पहुंचे थे उदयपुर, और मेवाड़ और वागड़ क्योंकि साधने की बात है तो राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है मेवाड़, तो ऐसे में जब यहां पर राहुल गांधी आएंगे और साथ ही यहां पर उनके साथ मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लगातार मेवाड़ और वागड़ का दौरा कर चुके हैं। करीब 11 जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मेवाड़ और वागड़ का कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबियत जो है वो नासाज होने के कारण पिछले दिनों यहां पर उनका आने का दौरा नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नजर है वो सीधी मेवाड़ और वागड़ पर है। उसी के मद्देनजर जो है प्रदेश प्रभारी सुखबिंदर सिंह
रंधावा, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो यहां पर मेवाड़ पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में वो बैठक लेंगे और किस तरह से आगामी चुनाव के अंदर तैयारी करनी है और राजस्थान के अंदर फिर से जो सरकार बनानी है। अगर बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा की, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार रिपीट होने का जो है वो यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल धीरज, तो ऐसे में आज की जो दिन की बात करें, पूरी जो दिनचर्या है, किस प्रकार से बैठक होगी, इसको लेकर जो आज का पूरा अपडेट है वो जरा दे दीजिए विस्तार पूर्वक। जी बिल्कुल, कुछ ही देर के अंदर जो है प्रभारी रंधावा वही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सुवालका भवन पहुंचेंगे। यहां पर कांग्रेस के जो प्रभुजन है, आपको बता दें कि उदयपुर शहर ग्रामीण, राजसमंद और चित्तौड़ के जो कार्यकर्ता है उनके साथ में यहां पर बैठक का जो है वो यहां पर थोड़ी देर के अंदर शुरू हो जाएगी और करीब एक घंटे बैठक चलने के बाद ये जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू होने के बाद खत्म जो बैठक होगी, इसके बाद वो यहाँ से सीधे बांसवाड़ा पहुंचेंगे और बांसवाड़ा के अंदर एक होटल के अंदर बैठक रखी गई है जहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो कार्यकर्ता है उनके साथ में यहाँ पर बैठक की जाएगी। करीब एक घंटे बैठक के बाद वह करीब 3 बजे जो है वो मांगड़ धाम पहुंचेंगे और मांगड़ धाम पर आगामी जो प्रस्तावित दौरा राहुल गांधी का है उसको लेकर जो तैयारियां चल रही है उस तैयारियों को लेकर के उसका जायजा लेंगे और वहां से वो सीधे उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और उदयपुर सर्किट हाउस के अंदर यहाँ पर रात्रि विश्राम जो है वो यहाँ पर दोनों ही नेताओं द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, तो ऐसे में राहुल गांधी जब राजस्थान आएंगे तो उसकी तैयारियों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया धीरज पूरी जानकारी के लिए।